हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा गया आप लोग का पेपर? मोस्टली सभी लोगों का पेपर हो चुका है। जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर था, सबका ओवर हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अब जैसा भी गया हो पेपर, लीव इट, फॉरगेट इट। अब तैयारी करिए आपके सेमेस्टर के लिए। हाँ, अभी अगर आपका पेपर बहुत ही बेकार, बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत ही बेकार गया बिकॉज उन्होंने तैयारी नहीं किया था, लेकिन अब तैयारी करिए बिकॉज आपका सेमेस्टर के एग्जाम आपके अच्छे जाने चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बहुत ढेर सारी वीडियोज अगर बनाते रहूंगा आप लोग को, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका मैं रिविजन ऐसे लेते रहूंगा जिससे आपका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मैथ्स 1 का जो पेपर हुआ था उसका एक रिव्यू दिखाने वाला हूँ। उसमें आपने क्या किया है थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या आपने लिखा है और क्या होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल को विजिट करके पा सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट की भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे रिव्यू करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1A आता है। 1A के जो क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था कि जो आपके क्वेश्चन बहुत ही ईजी ईजी होंगे, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1A में है, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको क्या एग्जाम मतलब कि ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको करना कितना है, केवल 2 ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से है, जिसने मोस्टली सारे बच्चों ने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, और यहाँ पे सब कुछ दिया है, आपको इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डी दिया है और डीएक्स दिया है, तो एक्स का मैंने फार्मूला बताया था, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डीएक्स अपॉन डी। डीएक्स हमारा कितना है, -14, और डी कितना है, 14। कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा, -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। बस इतना ही करना था, इसमें कुछ भी करना नहीं, आपको इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। बस इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इक्वेशन दी थी कि तो हम कुछ और निकालना, कुछ और नहीं निकालना था। डी दिया है, डीएक्स दिया है, तो डायरेक्टली आप एक्स निकाल सकते थे। नेक्स्ट सेकेंड वाला है, राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू -2x +5 इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बहुत इजी है, इसको मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ। जैसे हमारा है एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, पहले -2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर -3x -2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 5 2 जा कितना, 10 हो जाएगा। अब ये सबको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर -3x +2x +10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यह माइनस एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 0। यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म हो गया। उसके बाद एपी दिया हुआ है, फॉर एपी जहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है और डी की वैल्यू, देन टी टू निकालना है। टी टू का मैंने फार्मूला आपको बताया, जब टी टू इज इक्वल टू होता है T1 + D, और हम ए को ही क्या बोलते हैं बच्चों, T1 कहते हैं। तो हमारा T1 कितना दिया है, 200, और डिफरेंस कितना है, 7। तो यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, और बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है, गलत नहीं है उनका आंसर ना। तो 200 + 7, सो T2 इज इक्वल टू हाउ मच, 207। ओके, बहुत इजी पेपर था, मैंने देखा बहुत अच्छा है, और मोस्टली सारे बहुत सारे बच्चों का 20 out of 20 आएगा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B पे। 1B का क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन। यहाँ भी 3 क्वेश्चन आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व ओनली 2। तो मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। चेक वेदर द सीक्वेंस -10 -6 -2 2 इज एन एपी और नॉट, मतलब ये बताना है एपी है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, यह T1 लिखना है, यह T2 लिखना है, यह T3 लिखना है, और यह T4 लिखना है। आपको आगे वाले पीछे वाला माइनस करते हुए जाना है। अगर डिफरेंस सेम आया तो एपी है, और डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी। आपके बुक का क्वेश्चन है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन है, और यह एपी है। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x -1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था आएगा आएगा, और आया ही, क्योंकि मुझे पता है कि यह कई बार आता है एग्जाम में। कभी कभी आता है अल्फा प्लस बीटा, और कभी कभी आता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का आपको फार्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। बट ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ लिख लेना, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 7 होगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो यहाँ पे माइनस के माइनस रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, 7/1, और आंसर कितना होगा, ओनली -7। ओके, ये तो आप लोगों ने किया ही होगा, ये तो पक्का सबका सही होगा। एक बार मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वल लगाना है आपको। अभी पहले 2 का into 1 में करना है, 2 into 1 -2 into -3। अब 2 1 जा कितना होगा, 2, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, एंड 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। ये आंसर कितना आएगा, -4। कुछ बच्चों ने गलती से 4 लिखा होगा, तो बी केयरफुल, ये सब गलतियां आगे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A पर।
का जो क्वेश्चन है आपका सारा सारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, और मैंने आपको एक ही चीज बोला था, एमसीक्यू टाइप आपके जितने भी वर्ड जितने भी प्रॉब्लम सेट में, हाँ जितने भी प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चन करने थे, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, जो किया उन्होंने यहाँ पे सही किया है। ओके, यहाँ पे दी गई हमारी इक्वेशन है जिसमें हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू हम क्या करना है इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है। सो आप लोग पुट करके कर लेंगे, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ये वाला मैंने बताया था उल्टा से उल्टा वाला, एक बार प्लस एक बार माइनस रहे तो आपको ऐड करना होता है सब ट्रैक, बट यहाँ पे ऐड करने के लिए रहेगा, तो हमें क्या करना है एडिंग क्वेश्चन वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, यह आपकी इक्वेशन वन है और यह आपकी इक्वेशन टू है, आपको जस्ट क्या करना था वन एंड टू को ऐड करना था, तो इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू ए का, क्वेश्चन नंबर थ्री में, थ्री में दिया विच इज द वैल्यू ऑफ डिटर डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अलग होता है डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मीन क्या होता है हमारा डेल्टा। ओके, तो आपको डेल्टा का फॉर्मूला पता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बहुत सारे बच्चों निकाला होगा, उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एपी में ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है, तो हमें टी टेन फाइंड करना है। ए मीन्स पहला टर्म है, एन मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ दी टर्म्स हो गया, एंड डी मीन्स क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया है 25 दिया है, तो हमें टी एन टेन निकालना है। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एमसीक्यू मोस्टली सबका सही है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर टू का बी में, तो क्वेश्चन नंबर टू का भी है, इसमें कंप्लीट द एक्टिविटी मैंने बताया था, एक्टिविटी आपको आएगा, तीन एक्टिविटी है बट आपको करना कितना है एनी थ्री, अच्छा यहाँ पे चार आई थिंक है, तीन करना होगा। चलिए इजी इजी है, ज़्यादा नहीं है, इजी इजी यहाँ पे है, चार दिया होगा तो तीन करना है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन कह रही टू टू मार्क्स, बट ये टोटल कितना हो जाएगा, ये थ्री मार्क्स सिक्स मार्क्स के लिए हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ कौन सा है, आपका एक्सरसाइज 1.1 की तरह क्वेश्चन है, तो यू हैव टू डू योर सेल्फ, ईजी है। यहाँ पे देखिए 3y, यहाँ पे 3y हम ऐड कर देंगे, 3y 3y कैंसिल हो जाएगा, यह हमारा हो गया 14x, और यह भी कितना हो जाएगा यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। ओके, इसको हम ऐड कर देंगे, यह हो गया हमारा 2, और यह इसका आंसर 42/4, तो ये कितना। ओके, ईजी है कि नहीं, ईजी है ना, जब आपने किया होगा तो ईजी रहेगा ही, नहीं किया होगा तो भाई जो तब तो कुछ भी टफ लगता है, अगर कोई भी काम अगर हम कम करने लगते हैं प्रैक्टिस करने लगते हैं इन ईजी लगने लगता है, तो ये सब तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो है आपका एक्सरसाइज, ये बता देता हूँ मैं, आपका एक्सरसाइज 2.5 की तरह है, सेम क्वेश्चन नहीं है, 2.5 की तरह है, हमें बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे ओनली बॉक्सेस भरना होता है, एक्स्ट्रा बॉक्स आपको बनाना नहीं, अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो आप उसको पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पे √3 है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू 2 + 2√3 है, सी की वैल्यू ओनली √3 है, तो हमें बी स्क्वायर 4ac निकालना है, 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा, और √3 का ओनली क्या हो जाएगा 3, तो हमें ये नहीं लिखना है, यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी गलती हो जाएगी, आपको 4√3 या डायरेक्टली 12 लिख देना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का ओनली 3, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे, और √3 √3 करते हैं तो ओनली क्या होता है 3, और 4√3 ये भी कितना हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 0। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड दी वैल्यू ऑफ S17। अब यहाँ पे 17 फाइंड करना, आपके बुक में S27 वाला है, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 200, डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे लिखा है इन्होंने, नहीं लिखा है, ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं 200, बट आपको नहीं लिखना है, जितना क्वेश्चन जितना भी बॉक्स है उतना ही बॉक्स भरना है, एक्स्ट्रा बॉक्स भरने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू हो जाएगी, डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 50, और एन की वैल्यू 17, और S17 हमें क्या करना है फाइंड करना है, SN का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे लिख कर रखा है, एन की वैल्यू कितना रखेंगे 17, तो यहाँ पे 17 अपना 17/2, 2a+ यहाँ पे हम कितना रख देंगे, अब आगे का आप लोग कर सकते हैं ना, ईजी है कि नहीं। हाँ यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया तो हम इसको कैंसिल करके क्या कर दें यहाँ पे 600, बट यहाँ पर आपको कट नहीं करना है, ये मैं कट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ जस्ट, बट आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देना ओनली 600, यहाँ पे कितना लिख देना है 600। ओके, बस इस तरह आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है, एक्सरसाइज 3.3 में, आई थिंक 3.3 का पहला जो क्वेश्चन है उसी की तरह क्वेश्चन है, वहाँ पे S27 फाइंड करना है, यहाँ पे 17 फाइंड करना है। नेक्स्ट अगला वाला भी क्वेश्चन आपको ही करना है, तो ये कर लीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें टी एन का फॉर्मूला लगाना है, और ये वाला आपको क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, 3.2 में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सो यू कैन डू। ए की वैल्यू हमारी ये क्या, यस 7 है, डी की वैल्यू 2 है, और लास्ट टर्म टी एन इज इक्वल टू 99, जस्ट आपको एक्टिविटी फिल कर देना है, कुछ करने
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A में आ जाते हैं। जो 3A का क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है, 3A का जो क्वेश्चन है, सॉल्व एनी वन सब क्वेश्चन ऑफ दी फॉर्म। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं, ये तो क्वेश्चन आपके बुक का ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। बट ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बट ये भी इजी था। हमें इसको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। तो 10 को हमें रिमूव करने के लिए क्या करें, 10 से हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10x², यहाँ पे हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 = 0। अभी 10 का आगे का पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है हमारा यहाँ पे, 10 हो जाएगा। 10 को ऐसा फैक्टराइज करना है, माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 5 × 10, यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस रहेगा, एक माइनस। आगे देखिए माइनस, तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और इस तरह हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन। और यह आपका एक्सरसाइज मैंने 2.2 में सिखाया है। और एक फैक्टराइजेशन आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, क्लास 8 से ही हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट आता है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड दिनेश इज 31। यह आपका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, यह आपका एक्सरसाइज सॉरी प्रॉब्लम सेट, ओके, प्रॉब्लम सेट का वर्ड प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा। मैंने पहले बोला था कि ये आप देख लेना भाई, तो यहाँ पे ये खाली नाम चेंज कर दिया गया और सब कुछ वैसे ही है। तो ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं इजीली। मनीषा एंड दिनेश दोनों कितना जोड़ के बोल रहा है, इस समय 31 है, मतलब तो मनीषा को हमने एक्स मान लिया, मिनीषा सॉरी मिनीषा को एक्स मान लिया और दिनेश को हमने क्या मान लिया, वाई। तो यहाँ मिनीषा की एज हमने लिख दिया, मिनीषा हमारा मिनीषा एक्स है और दिनेश हमारा वाई है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगा x + y = 31, सॉरी 31 यहाँ पे दिया हुआ है। और ये बुक का मैं बोल रहा हूँ ना, बुक का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। मैं इक्वेशन जस्ट बना के दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। 31 ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड मिनीषा एज सॉरी मिनीषा या मनीषा ही है, ओके, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ओके, या मनीषा ही रहेगा क्योंकि मिनीषा नाम तो वही कंफ्यूज हो गया। चलिए मनीषा, हाँ मनीषा ही कर लीजिएगा। मनीषा एज 3 years ago वॉज 4 times ऑफ द एज ऑफ दिनेश, मतलब 3 years ago, पहले 3 years ago दोनों का निकालना पड़ेगा। दिनेश की एज अभी एक्स है तो 3 years ago कितनी होगी, मनीषा की एज कितनी है, एक्स है तो 3 - x, और दिनेश की वाई है तो y - 3, x - 3। मनीषा की है 3 साल पहले और दिनेश की y - 3 3 साल पहले। तो क्या बोल रहा है, 3 साल पहले जो मनीषा की एज है वह कितनी थी, 4 times। तो मनीषा कौन है, x - 3 = 4 times of y - 3, x - 3 और 4 का y में 4y, 4 × 3 = 12, x - 4y = -12 + 3, x - 4y = इसको माइनस कर दे माइनस। क्वेश्चन नंबर हमारी, अब इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 1.1, इसलिए मैंने बोला 1.1 एकदम अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज 1.1 अगर आपको आ जाता है तो 1.4 भी कर सकते हैं, 1.5 भी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 1.1 के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर आपका बी दिया है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, सॉल्व एनी वन, इसमें से भी वन ही क्वेश्चन करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, 1 से लेके 350 के सारे इवेंट नंबर का टोटल निकालना। तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाना है, Sn का, Sn = n/2 2a + n - 1, ओके, a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों, 2 होगी। डिफरेंस भी कितना होगा, 2 होगा, लेकिन बोल रहा है 1 से लेके 350 के बीच की, मतलब ना 1 को लेना है ना 350 को लेना है। तो 1 तो नेचुरल इवेंट नंबर नहीं होती, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8, 3, 50, 350 हमें नहीं लेना है, 348 ही लेना है। तो लास्ट वाला जो टर्म दिया है 348, अब इसकी हेल्प से, हाँ ये तो जितने दिए हम Tn का फार्मूला लगाएंगे। Tn का फार्मूला लगाने के बाद हमें क्या निकालेंगे मालूम है, n निकालेंगे, n हमारा फाइंड हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे Sn का फार्मूला लगाएंगे। इसमें 3 स्टेप में होगा, पहले Tn का फार्मूला लगा के हम n फाइंड करेंगे, n निकलने के बाद फिर हम लोग Sn लगा देंगे। और ये बुक का ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ओके। चलिए फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 consecutive natural numbers। ओहो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, यह एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रगति का फर्स्ट वाला है और ये 2nd वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कई बार बोला है। फर्स्ट नंबर को हम एज्यूम करेंगे x और 2nd वाले नंबर को हम एज्यूम करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव, यहाँ पे इवन कंसेक्यूटिव होना चाहिए था, ओके, आप ध्यान देना, यहाँ पे ओनली कंसेक्यूटिव लिखा, करेक्शन था यहाँ पे, इवन कंसेक्यूटिव, इवन कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस टू, कभी भी बोलेगा इवन और ऑड, तो पहला नंबर अगर आपने एक्स लेता है तो दूसरा नंबर आपको एक्स प्लस टू ही लेना है, फिर एक्स प्लस फोर लेना है, भले ही इवन बोले या तो ऑड बोले, इवन के लिए ऑड के लिए आपको यही नंबर्स लेने हैं। और नॉर्मली नंबर बोला तो एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, सो आंसर दे सकते हैं। बट अगर इवन ऑड बोला तो ये वाला लेना है, तो हम यहाँ पे इवन बोला है तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 244। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये आपको पता ही फार्मूला है कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 244, 2x² + 4x + 4 -244 इज इक्वल टू 0, 2x² + 4x - 240 इज इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x² + 2x - 120 इज इक्वल टू, अब 120 का फैक्टराइज करना है, कितना आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए, तो 10 और 12, यहाँ पे माइनस एक प्लस रहेगा, एक माइनस, देखिए तो आगे प्लस है तो बड़ा वाला प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस, आप कर लेंगे। ये भी आपका एक्सरसाइज 1 2.6 का क्वेश्चन नंबर, इस तरह ये क्वेश्चन था, बहुत इजी पेपर था, बहुत सारे बच्चों ने किया है मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों का 20 और 20 आएगा, बहुत सारे बच्चों का थोड़ा कमजोर भी है कि जो नहीं कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे जाइए, आप विजिट करिए, आपको A to Z सारे एक्सरसाइज पूरे के पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में प्रॉब्लम सेट मिलेंगे मैथ्स और मैथ्स टू का, जिससे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, इसके साथ साथ में आपको ढेर सारी क्विज भी मिल जाएंगी, जो मेंटी क्विज हुई है उसको भी अटेंड करिए, और मैं डेली क्विज ले रहा हूँ ऑन एवरी सैटरडे को, एवरी सैटरडे को मैं क्विज ले रहा हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर का है और मैथ्स का है, तो वहाँ पे भी आप लोग जरूर आते रहिए, और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए आपको, आप हमारी इस साइट को जरूर विजिट करिए, साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाइए गूगल पे सर्च करिए द इंग्लिश ग्रामर डॉट कॉम, या तो मेरा दूसरा जो साइट है महेश प्रजापति डॉट कॉम पे जाइए, वहाँ पे भी आप इस साइट की लिंक आप मिल सकती है, उसके बाद आप हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी यूजफुल ऐप्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम और ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, सो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।